हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकर अमित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन फ्लिकरिंग ये एक पता नहीं कैसा बीमारी आ गया है फ़ोन के अंदर में। हर किसी का फ़ोन देखो तो फ्लिकर करने लगता है, आधा डिस्प्ले लगता है, दिखता ही नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको देखो एक ट्विटर खोल के दिखाता हूँ, कोई भी ऐसा स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ जो बिल्कुल वाइट हो, जहाँ पर आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग क्या होता है क्या नहीं, वो सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं वाइट कलर का ये ट्विटर पर आ गया हूँ, तो आपको शायद मे भी स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के नीचे पूरा स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है गाइस। चलो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, और कैसे मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, रुको ब्राइटनेस पूरा बढ़ा देता हूँ गाइस ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अभी भी दिखा रहा है, मे भी हो सकता है कैमरा में आपको नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन ये स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है। ये प्रॉब्लम सभी के फ़ोन में आ चुका है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशंस। अगर आपके पास फ़ोन रियलमी का हो या फिर वीवो का हो, ओप्पो का हो, सैमसंग का हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, और आपका स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है, भूक भाग कर रहा है इस तरह से कुछ, तो मैं आज आप सबको इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इसका। अब देखो, ये कोई बीमारी है तो ये फिजिकली नहीं है कि आप जाकर के स्क्रीन का डिस्प्ले चेंज कर दो तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं गाइस, ये आपका सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है। जब आपका हार्डवेयर GPU CPU से कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए आपका जो है वो फ़ोन का फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाता है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको मेन मोटो क्या रखना है वो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे जाने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक तो हमारा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि अगर स्क्रीन फ्लिकर हो रहा है तो कैसे हम ठीक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स करना है, वो आपके फ़ोन के सेटिंग्स है, जो आपके फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है, और सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक डार्क मोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप डायरेक्ट डार्क मोड को यहाँ से इनेबल करके अपने फ़ोन में स्क्रीन का फ्लिकरिंग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात एक और आती है कि सभी के फ़ोन में ये डार्क मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये सिर्फ रियलमी का फ़ोन में ही मिलता है। तो मैंने आप सभी को जैसा कि बोला कि सभी के फ़ोन में काम करेगा ट्रिक, तो इसके लिए करना है कि मान लीजिए जिसके फ़ोन में डार्क मोड का काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी एक सेटिंग्स है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वो सेटिंग्स क्या है वो देखो क्या है जो गाइज, वो सेटिंग्स है, आप अपने एक बार फ़ोन का जो है वो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो पूरा का पूरा रहेगा, तो पूरा से एकदम जो है वो आप अपने नॉर्मली कर लीजिएगा। आप जितना कम कर लेंगे आप ब्राइटनेस अपने फ़ोन का, उतना ही आपका फ्लिकर स्क्रीन जो होता है वो सब ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा स्क्रीन फ्लिकर करेगा। तो बस ये मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फ़ोन में ये सब कुछ करके देख रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा रियलमी X2 का फ़ोन है और ये फ्लिकर करने लगा था, तो मैं ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ तो हमारा फ्लिकरिंग जो है वो पता नहीं चलता है, या होता है या फिर नहीं होता है ये भी नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे ही मैं फुल कर लेता हूँ, और फुल करके चलाने के बाद जब 1 से 2 घंटा मैं अपने फ़ोन को चलाता हूँ, तो फिर से यहाँ पर स्क्रीन जो है वो उस तरह से फ्लिकर करने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सेटिंग्स बता रहा हूँ, और एक फाइनल स्टेप बताऊँगा। मान लीजिए जब दोनों ट्रिक आपके फ़ोन में ना काम करे, एक तो कि आपके फ़ोन में डार्क मोड बटन नहीं है, और या फिर दूसरी जो आप ब्राइटनेस का ऊपर से जो है वो कम कर देते हैं, फिर भी आपका फ़ोन में फ्लिकर का प्रॉब्लम रहता ही है, मतलब हटता नहीं है, तो उसके लिए एक फ़ाइनल सॉल्यूशन है कि आप अपने फ़ोन का सेटिंग्स को एक बार रीसेट कर लीजिए। देखो, फ़ोन को सेटिंग्स को कैसे रीसेट करना है, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे क्लिक करके आना है, यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बैकअप एंड रीसेट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीसेट इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर में दिखेगा रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, तो इसके ऊपर क्लिक आपको कर देना है, और इसके बाद रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ से ये क्लिक हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर रीस्टोरिंग हो रहा है गाइस, तो थोड़ी हम वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा सिस्टम सेटिंग्स रिकवर हो गया है गाइस, देख सकते हो आप यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। और देखो, कुछ लोग को अब यहाँ पे एक मतलब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इससे हमारा डाटा डिलीट होगा कि नहीं होगा, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डाटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी फ़ोन से डाटा डिलीट नहीं होगा, चाहे तो फोटो, वीडियो, फाइल, एप्लीकेशन, किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल डाटा भी डिलीट नहीं होगा गाइस, क्योंकि इससे सिर्फ आपका सेटिंग में जो छेड़छाड़ किया गया है, आपका डिस्प्ले में जो छेड़छाड़ किया गया है, वो सबका सेटिंग्स पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल जो
जो आपका फ़ोन में न्यू फ़ोन जब आप लेते हो तो जिस तरह का सेटिंग दिया जाता है उसी तरह का सेटिंग्स रहेगा। अब इसके बाद आप कस्टमाइजेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो फिर से। तो इस तरह का अगर आप ट्रिक करते हो अपने फ़ोन में सेटिंग्स करते हो तो आपका फ़ोन जो फ्लिकर करता था वो ठीक हो जाएगा। मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन गाइज 90% मैं आपको दावा देता हूँ कि आपको ये ट्रिक सभी फ़ोन में वर्क करेगा अगर आपका इशू हो रहा है स्क्रीन फ्लिकर का। तो इस ट्रिक को आप ट्राई ज़रूर करना अगर आपका स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है। तो आप हमें बताना गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाना। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स खुला है, जाकर के वहाँ पे जो मर्जी आप पूछ सकते हो। और चलो तो इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको इतना ही बता सकता, और मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।